नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। दो चरणों में चुनाव होना है। पहले चरण में प्रयागराज जनपद हंडिया कस्बा में चुनाव होगा। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने नगर पंचायत वार्ड नंबर 4 और 5 के मोहल्ला निवासियों से सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर बात की, तो पता चला कि अभी तक पात्रों को प्रधानमंत्री आवास और शौचालय मिला। महिलाओं ने बताया कि नगर पंचायत अध्यक्ष जवाहरलाल जायसवाल खड़े होकर साफ सफाई व्यवस्था कराते हैं। जैसा कि नगर निकाय चुनाव को लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय चुनावी बिगुल बज चुका है, वहीं पर अगर देखा जाए तो चुनावी संग्राम में सभी पार्टियों के नेता कार्यकर्ता भाग ले रहे हैं और यह चुनाव 2024 के लिए राह आसान करेगा जैसा कि लोग कहना है। वहीं पर अगर हम बात करें नगर पंचायत हंडिया, जो कि पिछले वर्ष में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जवाहरलाल जायसवाल चेयरमैन हुआ करते थे और दूसरी बात पार्टी ने पुनः उनके ऊपर भरोसा जताया है और पार्टी का कहना है कि जिस प्रकार से जवाहरलाल जायसवाल नगर पंचायत हंडिया में काम किए हैं उससे यह लगता है कि उनको दोबारा हंडिया यहाँ की हंडिया जनता यहाँ को चुनेगी। मैं इस समय यहाँ के नगर पंचायत एक वार्ड में आया हूँ और मैं यहाँ की जनता से बात करूँगा कि सच्चाई क्या है, जो कि वार्ड नंबर 5 बताया जा रहा है। मैं यहाँ की जनता से पूछना चाहता हूँ कि ये लोग विकास के मुद्दे पर वोट देंगे कि पार्टी के मुद्दे पर। आप क्या नाम है? हमारा नाम है सर भूलाल पाल। अच्छा, बताइए इसके पूर्व में यहाँ चेयरमैन जवाहरलाल जायसवाल थे जी, उनके द्वारा कुछ काम किया गया है? बिल्कुल किया गया है सर। यहाँ पे हमारे गांव में लगभग किसी का सबका कच्चा मकान हुआ था सर, सब आवास मिला है सर। अब हमारे वर्तमान में चेयरमैन से जवाहरलाल जायसवाल जी थे, उन्हीं के कार्यकाल में सर ये सब हुआ है सर, मिला है। और जो ये सड़क हुआ है, लाइट वगैरह लगा हुआ है सर, इन्हीं के कार्यकाल में 5 साल में सर हुआ है काम। हम लोग सर बीजेपी को ही वोट देंगे, बीजेपी को ही जिताएंगे, चाहे ये हमारा नगर पंचायत हो, चाहे विधायक का हो, चाहे वो लोकसभा का हो, कोई भी हो, लेकिन हम लोग सर बीजेपी जुटे हुए हैं। बीजेपी में हमारा ये पूरा गांव, हमारा समाज है, सब हम लोग बीजेपी में वोट देंगे सर। जैसा कि विपक्ष कहता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया, लोगों से लुभाया है, तो विपक्ष को कहने दीजिए सर, उनको तो कहने दीजिए। ये पप्पू भैया जो बैठे हुए हैं, क्या किए हैं इतना दिन तक के? पप्पू भैया, पप्पू किसका नाम है? पप्पू अखिलेश। क्या किए हैं सर, क्या किए हैं? हम लोग ऐसे झोपड़पट्टी में रहते थे सर, हाँ, फ्री का राशन नहीं मिला सर। बीजेपी सरकार में हमको, हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित हर जगह 1 बजे 2 बजे रात, 12 बजे रात 10 बजे रात कहीं घूम टहल ले रही हैं बेफिक्र से, कोई हमें भय नहीं है सर। हम कहीं आ जा रहे हैं, हमारा माल वगैरह जो ट्रांसपोर्ट से आ रहा है, सब कुछ GST भले सर लग रहा है, बीजेपी लगवा रही है, लेकिन हम सुरक्षित हमारे घर तो आ रहा है सर, हमें कहीं पकड़ा तो नहीं जा रहा है। क्या आपको पक्का आवास, पेंशन, रोड नाली सब मिला है? हाँ सर, हमको आवास मिला है सर। इसके पहले भी आवास मिला था? नहीं सर, नहीं मिला था हमको। जैसा कि हमारे यहाँ गांव में जितने मकान अभी हमारे साथ में सज्जन बात कर, उन्होंने बताया कि मुझे भारतीय जनता पार्टी सरकार ने मुझे नाली, सड़क, फरंजा, आवास या सरकार की जो भी सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध कराई गई है। मैं यहाँ पे एक और व्यक्ति उनसे बात करना चाहता हूँ कि इस बार के नगर पंचायत चुनाव में आप किसको वोट देने जा रहे हैं? हम तो बीजेपी के देंगे। बीजेपी को वोट देंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के नाम पर वोट देंगे कि पार्टी के नाम वोट देंगे? जवाहरलाल देंगे। नंबर 5 की जनता है जो कि हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, मैं इनसे भी बात करना चाहता हूं कि इसके पूर्व मुझे जो चेयरमैन थे, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, चुनाव जीते भी थे और 5 साल भरपूर उन्होंने काम किया है। अब मैं यहाँ की जनता से राय लेना चाहता हूँ कि जवाहरलाल जायसवाल जी क्या काम किए। आप क्या नाम है? बबीता देवी मौर्य। अच्छा, ये बताइए बबीता जी, जैसे कि इसके पूर्व में यहाँ पर चेयरमैन जवाहरलाल जायसवाल थे, उन्होंने क्या काम किया है? काम तो भैया उन्होंने बहुत किया है जी, जो उनके लायक था उन्होंने सेवा किया, और सेवा करने के बाद भी वो कहीं अगर किसी के घर पे मुसीबत सुनते हैं तो पैदल चल के जाते हैं, सबसे बड़ी खुशी की है। क्या आपका भी कोई काम किए हैं? जी, हमें भी आवास मिला है। अच्छा, शौचालय मिला है। अच्छा, इसके पूर्व में आपको आवास, शौचालय कुछ मिला था? कुछ नहीं मिला था। हाँ। कभी नहीं, हम लोग एक वो टाउन एरिया का कोई भी मदद नहीं जानते। अच्छा, पूरे गांव में कोई नहीं जानता है, क्योंकि पिछले 25-30 सालों से टाउन एरिया का चुनाव हो रहा है जी। तो आपको आवास पहली बार मिला, पहले मिला था? नहीं, पहली बार मिला है। अच्छा, पहली बार सभी को आवास मिला है, जितने आवास हमारे वार्ड में 5 में बने हैं सब पहली बार मिला है। आवास सबको मिला है, चिन्हित मिला है? अब चिन्नी का भैया जो है, अब देखिए दो आवास हमारे देवर के भरा हुआ था, उसको पटवा दिए थे एक बार, लेकिन हमारे कहने पर वो फिर भरे और बोल रहे हैं कि आपका आवास आया हुआ है, तो हमका ठीक है, लेकिन वो भले इसके बाद भी जो आवाज दिए हैं सबको वो दिए हैं, जो देखिए है वो आदमी बोलेगा। अब ये नहीं कि एक खाते जो है आदमी वो करे,
चलते हुआ थोड़ा बहुत की। आप हाउस वाइफ है की क्या करती है? नहीं, हम हाउस वाइफ भी है और ड्यूटी भी हम करते थे। आप छोड़ विभाग में? हम तो बहुत विभाग में। तो मोहल्ला के लोगों की कोई दिक्कत परेशानी कुछ ऐसी? जी, मोहल्ला के लोगों की दिक्कत परेशानी रहती है भाई। अब उनके पास जो जाएगा तो सुनेंगे जो उनके लायक रहेगा। आवास लाख थे आवास दिए, शौचालय लाख थे शौचालय दिए। विपक्ष तो कहता है जवाहर जसवाल कोई काम ही नहीं किए। हमें विपक्ष हम लोगों के मुंह पे कहे ना, सामने आकर के मुंह पे कहे। 5 साल अहमद चेयरमैन तो थे, कभी हम लोगों की इधर तो सुनाई पड़ा कि 1000 रुपया 1500-1500 रुपया बांटे। कौन बांटा? अहमद चेयरमैन को सुनाई पड़ा था। अच्छा। उधर इधर तो किसी को नहीं सुनाई पड़ा, ना किसी के यहाँ गए। हम लोग यहाँ जब वोट लेने होता है तब आते हैं, जब जो है वोट लेना होता है तभी आते हैं हमारे। चलो बाबू चलो। जसवाल जी तो 50 बार आते हैं, हालचाल भी पूछते हैं, हालचाल भी पूछते हैं। माता ये बताइए, आप इसी वार्ड की निवासी हैं, आपको आपको कुछ मिला है जो यहाँ चेयरमैन थे? हाँ, एक बच्चा हमारा पाया कॉलोनी पाया है। इसके पहले आपको मिला कॉलोनी कभी? नहीं, कभी नहीं। तो आप किसको, भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे कि जवाहरलाल जसवाल को वोट देंगे? समझ में आए तब दिया है। नहीं, आपको आवास अगर मिला है, आप मुस्कुरा रहे हैं, बताइए किसको आप चाहती हैं? आप सपा को वोट देंगे, भाजपा को देंगे, किसको देंगे? पर्चा मिले तो देखा। हम लोग मैं आपको बता दूं, हड़िया नगर पंचायत आदर्श नगर पंचायत हो चुका है। और आदर्श नगर पंचायत की ख्याति यहाँ के जो निवर्तमान चेयरमैन जवाहरलाल जसवाल है, उनको लोग कह रहे हैं कि जवाहरलाल जसवाल के अथक प्रयास से यह नगर पंचायत आदर्श नगर पंचायत बन पाया है। वहीं पर स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ पर हर एक व्यक्ति को आवास दिया गया है, जो कि आज़ादी के बाद कभी किसी को आवास नहीं मिल पाया था। लोग पेड़ के नीचे और छप्पर लगा के रहने को मजबूर थे। मैं यहाँ के निवासी, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ कि यह जो आवास किया विनती किया जा रहा है, लोगों में चर्चा है कि जवाहरलाल जसवाल द्वारा यहाँ पर हर घर में आवास दिया गया है, आखिर इसकी सच्चाई क्या है? मैं ग्राउंड रिपोर्ट पर हूँ। यहाँ पर जो नगर पंचायत अध्यक्ष जवाहरलाल जसवाल, उनके द्वारा कितना काम किया गया है? जवाहर जी के द्वारा जो है तो काफ़ी कार्य किया गया है, और आवास तो हमारा अंदाज है कि पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा नगर पंचायत हांडिया में आवास मिला है लोगों को। और जवाहर जी ने जो काम किया हिंदुओं के लिए और मुस्लिमों के लिए, बहुत काम किया। विपक्ष कहता है जवाहरलाल कोई काम नहीं किया। भाई विपक्ष का तो काम है जो है, माननीय अखिलेश यादव जी विपक्ष में डेली जो है चिल्ला रहे हैं, ये कोई है मुद्दा? तो क्या इसके पहले यहाँ कुछ काम हुआ था? इसके पहले जो है क्या काम हुआ था? आप जान ही रहे हैं, आप खुद ही पत्रकार हैं, आप टहल रहे हैं, कोई काम हुआ था? जय अहमद अंसारी थे जो है, क्या काम किए? जैसे दिखाई पड़ रहा है कि चारों तरफ आवास बनाया गया। भाई लाइट सौ आपको जो है पूरे टाउन एरिया में जो है ना, जितने भी खंभे हैं हर खंभे में लाइट आपको दिख रहा है। ये किसके कार्यकाल में हुआ है? ये जवाहरलाल जसवाल जी के कार्यकाल में हुआ है। और उनको पार्टी दोबारा प्रत्याशी बनाई? भाई पार्टी जो है उनके ऊपर भरोसा जताई है, और जवाहर जी दोबारा चुनाव जीत रहे हैं। ठीक, और हम तो यही आपसे चाहेंगे जो है, सारे मीडिया भाई से चाहेंगे कि जवाहर जी का खूब प्रचार करिए जो है, और माननीय जो है मीडिया किसी का प्रचार नहीं करती है। मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, सच्चाई में उससे बात कर रहा हूँ। भाई देखिए, जहाँ तक जो है नेताजी जो है, अगर माननीय क्या कहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जवाहर जी के ऊपर भरोसा किया है, तो ये मान के चलिए जो है कि हंडिया की सीट जो है जवाहर जी जीत रहे हैं। आपका ये नगर पंचायत आदर्श नगर पंचायत हो चुका है? भाई देखिए, पूरे आपके यूपी में जो है 4 नगर पंचायतें जो है आदर्श नगर पंचायत में हुआ है, क्योंकि इसलिए हुआ है कि जवाहर जी जो है बहुत ज़्यादा वोट से जीत के गए थे, और जवाहर जी ने काम किया जो है, और अधिक प्रयास से जो है हंडिया नगर पंचायत जो है आदर्श नगर पंचायत में घोषित हुआ, और आगे जो है इतना विकास होगा कि आप लोग जो है खुद ही देखेंगे। आपको आवास मिला है? हाँ सर। तो ये टाउन एरिया कौन सा वार्ड है? 4 नंबर। अच्छा, तो आवास इसके पहले मिला था कि जब ये चेयरमैन हुए हैं तब मिला है जवाहरलाल? जब ये भयन है, हाँ, तब मिला। अच्छा, इसके पहले कभी आपको आवास मिला था? नहीं। अच्छा, तो आप वोट मोदी के नाम पर देंगे कि योगी के नाम पर, कि जवाहर किसको देंगे? जवाहर को वोट देंगे, जवाहर काम किए हैं। अच्छा, और कोई सुविधा? और भैया कुछ नहीं, राशन वगैरह? हाँ, राशन मिला सर। अच्छा, राशन मिलता है। आवास कितना मिला है? कई आवास है? मिला दो आवास है। हाँ। यानी आपके पास पहले कच्चा मकान? हाँ, कच्चा रहा था। जवाहर ने दो आवास दिया? हाँ, कच्चा। जैसा कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं, और सभी लोग बता रहे हैं कि
जवाहरलाल जायसवाल जैसे चेयरमैन हुए हैं तब से उनके कार्यकाल में पूरे बस्ती के लोगों को आवास मिला है। वहीं पर एक महिला ने बताया कि उनके दो लड़के हैं, उनके दोनों बच्चों को आवास दिया गया है। इस प्रकार से देखा जाए तो जिस प्रकार से यहाँ पर लोगों की बात करने की शैली है उससे प्रतीत होता है कि इनका जो झुकाव है हम आपसे जनता खुद बता रही है। और वहाँ पर देखा गया है कि ये जो चमचमाती रोड है और लोगों का जो आवास बता रहा है, लोग बता रहे हैं कि आज़ादी के बाद पहली बार इनको पक्का मकान मिला है, जो कि कच्चा मकान पर रहने को मजबूर थे। और ये बता रहे हैं कि जिस प्रकार से प्रदेश की व केंद्र की योगी सरकार फ्री में राशन दे रही है, तो भूमिहीन है, इनके पास कोई खेत खलिहान नहीं जिससे कि जीवन यापन कर सके। मैं नंदलाल गुप्ता, टाइम टीवी, हरिया प्रयागराज।